तेजस्वी जी, आप वोट के चलते आप इस तरह हिंदुओं के साथ, हिंदू भाइयों बहनों के साथ, राम भक्तों के साथ आप इस प्रकार से मजाक न करें। आज़ादी से अब तक किसी ने ऐसा विश्वास अर्जित नहीं किया था जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। उनकी लोकप्रियता से सब घबरा कर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भगवान राम को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। इसी बीच अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक तरफ जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा भगवान राम पे दिए गए बयान को लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव और बिहार के महागठबंधन सरकार को निशाने पर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर नित्यानंद राय ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। आप इस रिपोर्ट में सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। वातावरण में हाजिर है और तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं कि राम चाहते तो पहले क्यों नहीं मंदिर बन जाता, जैसा अभी हमारे पूछ रहे थे एक आपके प्रेस के भाई, तो वह बिल्कुल दिमाग से अस्वस्थ हो चुके हैं। ऐसा कोई कहता है क्या? आस्था पर कुठाराघात लगातार करना यह ठीक नहीं है। और राम तो राम है और सब वोट के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं, तुष्टिकरण के नीति के तहत कर रहे हैं। इसी तरह की तुष्टिकरण की नीति आज़ादी की लड़ाई के पूर्व भी प्रारंभ हुई थी और परिणाम उसका हुआ था कि देश का बंटवारा हो गया। इस तरह के विभेद पैदा करने वाले लोग, भाई पता नहीं कि राम तो इस देशवासियों के आस्था के केंद्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके आदर्श पर लोग अपने जीवन को चलकर सफल बनाता है, धन बनाता है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हम तो यही कहेंगे कि तेजस्वी जी वोट के लिए और अपने परिवार के कुर्सी के लिए किसी बड़ को खुश करने के लिए इस प्रकार से यह कहना और हिंदू धर्म पर अपशब्दों का व्यवहार और आपत्तिजनक बातों को कहना, तो क्यों गए थे तिरुपति जी पूजा करने? क्यों गए थे बाल मुंडन करवाए? क्यों गए थे भगवान श्री राम में और जो वहाँ जो तिरुपति जी हैं, क्या उनमें कोई अंतर है क्या? तो क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं? सब भगवान विभिन्न रूपों में हैं, लेकिन सबका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन मतलब एक ही है। हिंदू आस्था यही कहता है। तेजस्वी जी, आप वोट के चलते आप इस तरह हिंदुओं के साथ, हिंदू भाइयों बहनों के साथ, राम भक्तों के साथ आप इस प्रकार से मजाक न करें, आपको महंगा पड़ेगा और आपको जरूर अफसोस होता होगा कि हम गलत बोल रहे हैं। तो एक बार भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर माथा टेकिए, तब आपको अंदाज लग जाएगा कि भगवान श्री राम का मतलब क्या है, उनका महत्व क्या है, यहाँ कौन पहुंच रहे हैं, क्या पहुंच रहे हैं, कितनी असहजता है, क्या मतलब है उन लोगों का। उससे हम लोगों को बार बार हम बोलते कोई लेना देना नहीं, इसलिए लेना देना नहीं है कि वह जनाधार खोई हुई पार्टियां हैं, महागठबंधन, इंडी गठबंधन, उनके सारे घटक दल अपना जनाधार खो चुके हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से जो विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है, लोगों के मन में विश्वास है कि मोदी हैं तो हमारे जीवन में खुशियां पहुंच रही है, गरीबों का उत्थान हो रहा है, किसान मजदूरों महिलाओं का उत्थान हो रहा है, युवाओं का उत्थान हो रहा है, और ये विश्वास बहुत बड़ी बात है। आज़ादी से अब तक किसी ने ऐसा विश्वास अर्जित नहीं किया था जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। उनकी लोकप्रियता से सब घबरा कर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। मोदी जी 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस देश की जनता कमर कस ली। तेजस्वी जिस तरह से राम मंदिर को लेकर मुखर है, लेकिन लालू यादव को, राबड़ी देवी को, नीतीश कुमार को इन्विटेशन मिला है 22 जनवरी के लिए। देखिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट आमंत्रण देने का काम करती है और आमंत्रण जिनको जिनको मिला है तो उनको जाना चाहिए। इस तरह से जाना ना जाना उनका निजी विषय है, उनके मन की बात है, उनकी आस्था और विश्वास की बात है। अब क्या है वह तो नहीं कह सकते, लेकिन आमंत्रण तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट दे रही है, आमंत्रण दिए। बोले ना, इंडी गठबंधन वाले, महागठबंधन वाले सभी नेताओं का दिमाग खराब हो गया है।
सब दिमाग से दिवालियापन हो गए हैं और इनको तो जनता सबक सिखाएगी, कहीं के लोग रहने वाले नहीं हैं। इस तरह से हिंदू देवी देवताओं पर मजाक करना बड़ा महंगा पड़ेगा इन लोगों को। ये महागठबंधन, इंडी गठबंधन, घमटिया गठबंधन का में प्रतियोगिता है कि कौन पार्टी के कौन नेता कितना ज्यादा हिंदू को गाली दे, इसकी प्रतियोगिता ये लोग लगा रखे हैं और एक वोट को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो बाकी लोग भी देख रहा है, वैसे लोग भी देख रहे हैं जिनका भगवान राम कृष्ण और में आस्था है, गीता रामायण में आस्था है, वेद पुराण में आस्था है, वैसे लोग भी देख रहे हैं कि उनके देवी देवताओं का और उनके वेद पुराणों का, रामायण महाभारत का किस प्रकार से अपमान हो रहा है और गालियां दी जाए, वो लोग देख रहे हैं, इनको पता चलेगा। कब लौटना है? तो आपने सुना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा भगवान राम को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हिंदुओं के आस्था पर प्रहार कर रहे हैं और अगर ऐसा था तो तेजस्वी यादव खुद तिरुपति क्यों गए, वहां जाकर उन्होंने मुंडन क्यों करवाया। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को मानसिक रूप से बीमार बताया। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे बिहार के महागठबंधन सरकार को लेकर सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार के महागठबंधन सरकार से उनका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।